अयोध्या में आज की तारीख में आपको गली गली राम भक्तों की टोली मिल जाएगी। ऐसी भीड़, ऐसा उत्साह, ऐसी रामधुन, ऐसा जुनून शायद ही पहले कभी आपने देखा हो। इसका असर ये हुआ कि पुलिस को एक एक्शन लेना पड़ा। इसको लेकर खास मैनेजमेंट भी किया गया। आपको बता दें, आज 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इतनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बचे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार राम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। 8,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अयोध्या धाम में राम भक्तों की भर्ती भीड़ को देखकर डीएम ने 8 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, जो राम जन्मभूमि परिसर से लेकर बिरला धर्मशाला तिराहा, लता मंगेशकर चौक और बाकी जगहों की सुरक्षा देखेंगे। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ का असर राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। अपार भीड़ की वजह से नेताओं के कार्यक्रम रीशेड्यूल हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अयोध्या जाने का प्लान रीशेड्यूल किया जा रहा है। खबर यह भी है कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता अगले कुछ दिनों तक अयोध्या दर्शन करने नहीं जाएगा। तो राम भक्तों के उत्साह की वजह है रामलला का दिव्य रूप, अयोध्या का भक्ति वाला वो रंग जो हर किसी को रामनगरी में आकर्षित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान राम के जन्म स्थल पर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने की चाहत। अयोध्या की इसी भव्य और दिव्य तस्वीर के बीच पुष्प वर्षा की अनोखी और मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। ये कल का वीडियो है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने आज इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। पुष्प वर्षा की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी हो।